ब्रश से गाय हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये वीडियो है हाउ आई डू माय मेकअप पार्टी मेकअप. एक्चुअली मैं पार्टी मेकअप जब भी किसी पार्टी में जाती हूँ तो मैं कैसा मेकअप करती हूँ. मैंने इंस्टाग्राम में पोल पूछा था एंड आप लोगों ने बोला था कि पार्टी मेकअप मैं कैसा करती हूँ वो बताने के लिए. सो बस ये वीडियो उसी पे है कि मैं क्या क्या अप्लाई करती हूँ कितना कितना. वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लगाती हूँ लाइक जैसे यूजुअली लड़कियाँ लगाती हैं कंसीलर एंड ऑल ये सब सारी चीज़ें ब्रॉन्जर ये सब मैं नहीं लगाती हूँ. सिंपल सा मेकअप है एंड सिंपल एंड सस्ता मेकअप आप लोग के लिए भी हो सकता है क्योंकि मैं बहुत प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करती. सो लेट्स गो एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे अपना पार्टी मेकअप करती हूँ. सो गाइस अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपका जो फेस है वो क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर आप वॉश करो. देन उसके बाद अभी जैसे मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, उसको क्लीन किया है. सो सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस पे मेकअप के पहले तो आप फेस क्लीन करके उसको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करो, देन उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करना. ओके सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ और जो गाइस ट्रस्ट में सबसे सबसे अच्छा एंड सबसे सस्ता टोनर है ये जो लड़कियाँ लगाती है ना, ये टोनर वो टोनर, ट्रस्ट मी मैं इतने टाइम से सिर्फ इसे ही यूज़ कर रही हूँ एंड ये बहुत ही अच्छा है. एंड दिस सबके घर में होता होगा, सब लगाते होंगे, सबको पता होगा. एंड दिस इज डाबर गुलाब जल गुलाबरी. सो सबसे पहले मैं इसको अपने फेस पे लाइक स्प्रे करूँगी एंड उसको ड्राई होने दो. सो ड्राई होने के लिए आई हैव दिस लिटिल फैन. सो ड्राई हो गया है एंड देन उसके बाद जो मैं यूज करती हूँ एंड विच इज सनस्क्रीन. सो आप ये मैटर नहीं करता कि आप दिन में जा रहे हो रात में जा रहे हो, सनस्क्रीन इज वेरी इम्पॉर्टेंट. सो मैं यूज करती हूँ दिस न्यूट्रोजेना की सनस्क्रीन. आई होप आप लोग को ये दिख रही हो. ओके सो दिस इज द सनस्क्रीन जो मैं यूज़ करती हूँ. और मैं मामा अर्थ की भी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, लाइक डिपेंड करता है मेरे मूड पे, और ये दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं. तो आप इतने अमाउंट का सनस्क्रीन लें दस एंड को पूरे फेस में कवर करिए, अच्छे से लगाइए लाइक प्रॉपर. एंड अपना नेक बिल्कुल भी ना भूले कुछ भी आप लगाते हैं तो. बाय द वे गाइस प्लीज अगर आपको पीछे से कोई वॉइस आ रही हो तो प्लीज इग्नोर, यहाँ पर भगवत गीता चल रही है. भगवत गीता चल रही है. आई मीन भगवत गीता, नो नॉट भगवत गीता, मैं क्या बोली भागवत. वाह दीदी वाह दीदी. नहीं नहीं दीदी वाह दीदी. ओके सो भागवत चल रही है इधर हमारे सोसाइटी के आसपास. ओके सो सी मैंने अपनी सनस्क्रीन लगा ली है एंड सनस्क्रीन के बाद जो मैं यूज़ करूँगी ये भी बहुत ही अच्छी है, सस्ती है. तो एंड मॉइस्चराइज के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ विच इज दिस लैक्मे पीच मिल्क क्रीम. होप आप लोगों को दिख रहा होगा. सो ये मैं लगाती हूँ एंड ये है लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम 24 आवर मॉइस्चराइजर लॉक नॉन स्टिकी. एंड यस जो ये बोल रहा है वो सही बोल रहे हैं. सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लाइक मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सूट करती है. एंड आई हैव ड्राई स्किन, सो ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा सही है ये. फेस अच्छे से मॉइस्चराइज करिए इसलिए क्योंकि आपका जो फाउंडेशन है वो फटेगा नहीं.
मेरी है ड्राई स्किन एंड मुझे ये बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि मेरा फाउंडेशन फट जाता है, यहाँ से दिखने लगता है। वो जब मैं अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करती अपने स्किन को, वो तभी होता है मेरे साथ। ये मैंने नोटिस कर लिया है। सो अगर इफ़ यू गाइज हैव ड्राई स्किन, आपके पास ड्राई स्किन है अगर आपकी, सो प्लीज़ आप उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करिए, देन उसके बाद ही आप अपना फाउंडेशन या कुछ भी लगाएं। सो गाइस, मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है एंड द नेक्स्ट स्टेप विच आई यूज वो है ये फाउंडेशन फिट मी मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी 115 शेड, दिस वन। ये शेड मैं लगाती हूँ बिकॉज ये मेरे स्किन को परफेक्टली चला जाता है। एंड आई नो कंसीलर एंड ऑल लगाते हैं, बट आई डोंट यूज़ कंसीलर सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता है कि कैसे उसे लगाते हैं, कैसे लगा लेते हैं, आई डोंट नो। एंड सेकेंड, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है कंसीलर की, आई हैव कम डार्क सर्कल्स। सो अगर आप लोग को ज़्यादा है सो आप लगा सकते हो, बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। सो एक्चुअली आई जस्ट 1 palm एंड 2 palm इनफ। I think this is enough for my skin. And one more thing guys, मैं ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ब्रश वो फिनिशिंग नहीं देता जो मेरा हाथ देता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया है। तो मैं हाथ से ही फाउंडेशन मिक्स करती हूँ। सो एक और सस्ती सी चीज़ आप लोगों के लिए, लाइक मैं भी ब्रश यूज़ नहीं करती, तो इफ़ अगर आप भी नहीं करते तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ब्रश यूज़ करते हैं, सब ब्रश से अपना मेकअप करते हैं, सो आप भी करो, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने करती एंड मेरा मेकअप बहुत परफेक्ट रहता है। सो सबसे पहले मैं अंडर आई टैप करूँगी, देन पूरे फेस में अपने अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ मुझे चाहिए। And now, I have my own brush. आप लोग भी देखना, हाथ से बहुत परफेक्टली हो जाता है लाइक। और अगर आप लोग में से भी कोई हाथ से ही फाउंडेशन को मिक्स करता है, देन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। See? काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है हाथ से, राइट? आप इसको ऐसे मिक्स करो लाइक आप मॉइस्चराइजर लगाते हो, जैसे आप अपनी क्रीम को मिक्स करते हो ना। एंड इससे ये नहीं कि पूरा आपका फाउंडेशन छूट जाता है या ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। एंड अगर आप लोगों में से कोई ब्रश से यूज़ करता है तो प्लीज़ यार मेरे को सिखाओ कैसे यूज़ करते हो ब्रश एंड ब्लेंडर, आई डोंट नो। सो मैंने फाउंडेशन भी लगा लिया है एंड जैसे कि मैंने कहा था कि विदाउट ब्रश भी वैसी ही फिनिशिंग आती है जैसे ब्रश के साथ आती है। मेरी तो ब्रश के साथ फिनिशिंग नहीं आती है, इसलिए मैं अपने हाथों का यूज़ करती हूँ। एंड द नेक्स्ट पार्ट जो कि मैं यूज़ करती हूँ विच इज़ आई शेडो, अगर मैं जाती हूँ, एंड आई यूज़ दिस आई शेडो फ्रॉम मार्स। ये मैंने नायका से परचेज किया था एंड इसके शेड काफ़ी प्यारे हैं, इसलिए मैंने इसे लिया था। सो अभी लाइक मैं कुछ ऐसा तो पहना नहीं है मैंने, सो आई विल गो विद दिस कलर जो इसमें है। मैं ब्लशर को छोड़ के कुछ भी ब्रश से नहीं लगाती हूँ। सो ये आई शेडो भी दिस वन दिस कलर, ये मैं लगाने वाली हूँ विदाउट ब्रश अपने हाथों से। सो इतना मैंने लिया हुआ है। एंड मोस्टली जब भी मैं पार्टी पे जाती हूँ सो उसमें गोल्डन होता ही होता है, मैं कोई भी अगर ड्रेस पहनती हूँ मोस्टली, सो मैं गोल्डन आई शेडो के साथ ही जाती हूँ बिकॉज मैं अपनी जो लिपस्टिक है वो हमेशा न्यूड रखती हूँ। मुझे पसंद नहीं है लिपस्टिक ज़्यादा कलर अलग रेड एंड ऑल लगाना, सो मैं न्यूड रखती हूँ। कभी कभार अगर मेरा मन करता है तो मैं आई शेडो में मिक्स कर लेती हूँ कलर अगर उसमें कुछ होता है, बट मोस्टली मैं आई शेडो भी नेचुरल रखती हूँ क्योंकि वो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आपने ओवर मेकअप किया है। सो मेरे हिसाब से आप कोई भी पार्टी में जाओ
आपके घर की भी अगर पार्टी हो ना, सो अगर आप नेचुरल रेडी होते हो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट जो मैं लगाने वाली हूँ, सो मैं ब्राउज भी करती हूँ बट आई डोंट हैव राइट नाउ, मेरा ख़त्म हो गया है तो कुछ भी नहीं बचा है, लाइक थोड़ा सा भी नहीं है कि मैं दिखा सकूँ। सो ब्राउज करती हूँ, देन उसके बाद आई यूज मस्कारा। तो मस्कारा के लिए आई हैव दिस मेबलिन स्काई हाई लैश, दिस वन एंड ये मैंने अभी परचेज किया है। इसके पहले मैं मेबलिन का दूसरा यूज़ करती थी, ये मैंने अभी लिया है एंड ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, ट्रस्ट मी। बहुत मतलब आपके जो मतलब आईज हैं वो इतनी प्यारी दिखती है, लाइक इतनी प्रिटी लगती है। मस्कारा भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लाइक क्योंकि मेरा फेस छोटा है एंड अच्छा नहीं लगेगा वो, अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी और लाइक मस्कारा अगर लगाऊंगी अपनी आईज़ को बहुत बड़ा दिखाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा। एंड मेरे ऊपर फेक लैशेस भी बहुत ही गंदी लगती है गाइस, बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो एक बार मैंने ट्राई करने के लिए जस्ट लगा के देखा था, बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था मेरे ऊपर, क्योंकि मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो मेरे ऊपर नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं कभी फेक लैशेस भी नहीं लगाती। सी दैट मैं डू इट द सेकेंड आई, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, मस्कारा लगाते हुए मुंह ऐसा क्यों जाता है, आप लोग का भी होता है? मेरा तो हो जाता है। एंड गाइस, आप अगर मस्कारा लगाते हो तो प्लीज़ अपने लोअर लैश पे लगाना मत भूलिए, क्योंकि वो अधूरा सा लगता है। आप लोअर लैश लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखती है आपकी आईज। तो यहाँ पर मैंने दोनों आँखों में एंड लोअर लैश में मस्कारा लगा लिया है। तो मैंने अपना मस्कारा लगा लिया है एंड द नेक्स्ट विच आई यूज इज दिस मेबलिन फिट मी फेस पाउडर। और या मैंने अभी नोटिस किया मेरे पास मोस्टली प्रोडक्ट मेबलिन के हैं, क्योंकि ये आई गेस रेट में भी ठीक है एंड प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। सो मैं इसे अप्लाई करूँगी इस ब्रश के साथ जो अलग से है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं ब्रश यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने बहुत पहले लिया था तो ये सिर्फ मेरे इसी के काम आता है एंड जो इसके साथ मिला है उसको मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो ये ब्रश से मैं तो फेस पाउडर भी मैंने लगा लिया है एंड यस, सो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप पूरा डन हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि आईब्रोज आई डोंट हैव, बट मेरे पास एक जुगाड़ है उसका, जिससे मैं आज आईब्रो करूँगी, आई शो यू गाइस। सो दिस इज द जुगाड़ जो मैं आज करने वाली हूँ। ये ब्रश है, कहीं से तो मुझे मिला एंड दिस ब्राउन एंड आई ओनली डू द ब्राउन आईब्रोज ना, ब्लैक आप अगर करते हो तो बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। सो मैंने ब्राउन शेड लिया है इसका, लाइट ब्राउन एंड आई जस्ट डू दिस, जस्ट सी द डिफरेंस है ना, सी कितना ज़्यादा सही लग रहा है आई शेडो से भी मैंने किया है। तो सो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप आई शेडो से भी कर सकते हो। सो दिस इज द माय जुगाड़। पीछे से बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, बट स्टिल इस वीडियो पे गाइस मैनेज कर लेना आप लोग, क्योंकि मैं रात पे शूट कर रही हूँ एंड एक बज चुके हैं तो सारी चीज़ शांत हो गई, तो और ज़्यादा पीछे से आवाज़ें आ रही हैं एंड यस। सो मेरा ये भी डन हो गया है एंड द नेक्स्ट स्टेप जो मेरा होता है, माय फेवरेट पार्ट, ब्लशर। सो ये फेस कैनेडा का ब्लशर है जो भी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही, इसका शेड आप देखो गाइस,
बहुत ही ज्यादा न्यूड टाइप का शेड है एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि लाइक आपने ओवर लगाया है. सो आई जस्ट मैं इतना लेती हूँ. सी कितना डिफरेंस हो जाता है ब्लशर लगाने के बाद. एंड ब्लशर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लाइक पूरे मेकअप में. आई लव ब्लशर. ब्लशर अगर आप मेकअप नहीं भी करते हो ना, अगर आप सिर्फ ब्लशर भी लगा लेते हो, इतना ज़्यादा वो अच्छा लगता है. सो ब्लशर मैंने लगा लिया है एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट वो है. ये बहुत ज़्यादा तेज गा रहे हैं यार. है वो है मेरा ये हाइलाइटर. सो पहला मतलब एक हाइलाइटर मेरे पास है फेस कनेडा का एंड एक है अगेन मेबलिन. मेबलिन आई जस्ट लव मेबलिन यार. मेबलिन वालों को मुझे स्पॉन्सर करना चाहिए. एंड सबसे पहले फेस मेकअप मेरा डन हो चुका है अगर देखा जाए तो. बस लिपस्टिक और हाइलाइटर रह गए हैं. मैं क्या बोल रही हूँ? अरे कहना क्या चाहते हो? सो बस लिपस्टिक और हाइलाइटर रह गया है. तो अब नेक्स्ट मैं लगाने वाली हूँ हाइलाइटर के पहले दिस मेकअप फिक्सर स्प्रे. तो ये सूखने के बाद आप अपना हाइलाइटर लगाने. बताया था ये दो है मेरे पास तो आज मैं लगाऊंगी दिस मेबलिन क्योंकि ये बात सारी चीज़ें मेबलिन की है. वैसे आई डोंट हैव मेबलिन का ब्लशर. नो आई हैव मेबलिन ब्लशर. मैंने वो क्यों नहीं लगाया पता नहीं, शायद वो कहीं और रखा हुआ. सो ये भी मैं हाथ से ही यूज़ कर रही हूँ. ओ ये बहुत अच्छा लगता है. आई मीन बहुत सही तरीके से लग जाता है. सी कितना ज़्यादा हाइलाइटेड लग रहा है. एंड नोज पे अगर आप हाईलाइट करते हो तो बहुत मस्त दिखता है वीडियो फोटो में. एंड नेक्स्ट आई डू हियर. यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी ऐसे. एंड द सेम दूसरे गालों पे लगाऊंगी. गालों पे नहीं, गाल पे. सो गाइज आई डन विथ माई मेकअप. मैंने अपना मेकअप कर लिया है. लाइक मैं इतना ही मेकअप करती हूँ जब किसी पार्टी में जाती हूँ. हाँ मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी. अभी मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन सी लिपस्टिक यूज़ करती हूँ. एंड वन मोर थिंग, आप लोग सोच रहे होंगे काजल एंड लाइनर, राइट? सो काजल एंड लाइनर का ऐसा है कि काजल मैं यूज़ करती ही नहीं. आई डोंट हैव काजल. मतलब होगा तो कहीं पड़ा होगा, आई डोंट नो. तो काजल मैं यूज़ करती नहीं हूँ बिकॉज उसका एक रीज़न है. सबसे पहले कि काजल मुझे सूट नहीं करता है, मेरे लगाते ही आंसू आने लगते हैं. एंड सेकेंड थिंग, मुझे काजल की एक बात नहीं पसंद कि काजल लगाने के बाद थोड़े टाइम बाद वो पूरा नीचे नीचे दिखने लगता है. आई मीन आपके डार्क सर्कल्स दिखने लगते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. और आप चाहे जितना महंगा काजल ले लो यार, मैंने लिया है, मैंने देखा है लोगों के, वो दिखता ही है. पता नहीं क्यों दिखता है, पता नहीं जो लोग बताते हैं वो क्यों नहीं बताते हैं, उसका कोई हैक क्यों नहीं है. तो मैं इसलिए काजल यूज़ नहीं करती है. एंड सेकेंड, लाइनर मैंने क्यों नहीं लगाया. मैं लाइनर यूज़ करती हूँ, डेफिनेटली करती हूँ, एंड मुझे अच्छा भी लगता है लाइनर लगाना. सो लाइनर मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं अभी जो मेकअप मैंने किया है एंड इस ड्रेस के साथ, तो आई डोंट थिंक सो कि उसके साथ लाइनर अच्छा लगेगा. सो मैं लाइनर तभी लगाती हूँ जब ड्रेस में मुझे लगता है कि अच्छा लगेगा, तभी लगाती हूँ. एंड मैं मोस्टली लाइनर भी काफ़ी ज़्यादा कम लगाती हूँ. मेरी दीदी की शादी थी, मेरी दोनों दीदी की शादी होगी, आप लोग देखिएगा मैंने लाइनर यूज़ नहीं किया है. शादी में भी नहीं किया, संगीत में भी नहीं किया, मैंने लाइनर नहीं लगाया. सो लाइनर भी अगर आप देखें तो मैं बहुत कम ही लगाती हूँ. पर अगर आप लोगों के ऊपर अच्छा लगता है लाइनर काजल, सो आप लोग ज़रूर लगाइएगा. सबकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, सबके अपने हिसाब से ही अच्छा लगता है. सो अगर आप लोगों के ऊपर अच्छा लगता है तो ज़रूर लगाइएगा. सो लिपस्टिक में मैं यूज़ करूँगी न्यूड शेड. मैं न्यूड शेड लिपस्टिक ही लगाती हूँ. न्यूड
शेड लिपस्टिक ही प्रिफर करती हूँ। मैं मेकअप भी न्यूड प्रिफर करती हूँ कि ऐसा लगे कि मैंने नहीं लगाया है, मतलब नॉर्मल लगना चाहिए। तो लिपस्टिक के शेड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, बट आई ओनली प्रिफर न्यूड वन। सो अभी जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, और मैं मोस्टली पार्टीज में भी यूज़ करती हूँ, विच इज़ दिस मेबलिन लिपस्टिक। अगेन लिपस्टिक भी मेबलिन की ही है, एंड ये मेरी चाची ने मुझे गिफ्ट किया था। इसका नंबर है 10, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो 10 नंबर है। एंड दिस इज द लिपस्टिक एंड दिस इज द शेड, दिस इज द शेड। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नॉर्मल लगती है जब आप इसे यूज़ करते हो, लगाते हो। सो लिप लाइनर भी मैं लगाती हूँ, बट अभी मैं नहीं लगाना चाहती हूँ। My lipstick also, and this is my whole makeup, my party makeup, and थोड़ा सा मैं party जैसा look कर लेती हूँ, then आप लोग को दिखाती हूँ। माई होल लुक एंड मेकअप। मैं किसी भी पार्टी में जाती हूँ तो इतना ही मेकअप करती हूँ, यही मेकअप करती हूँ एंड यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। सो होप आप लोगों को मेरा पार्टी मेकअप अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मैं ऐसी वीडियोज़ और लाती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए है, एंड इसके बाद मैं ब्लूपर्स डालने वाली हूँ जो इस वीडियो को बनाते बनाते हुए हैं। सो आप वो भी ज़रूर देखना एंड या सो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। मैं ब्लॉग्स और ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी एंड गाइस आई लव यू सो मच। मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यूट्यूब पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस। बस इसी तरह अपने प्यार देते रहिए। बस आई लव यू गाइस, आई जस्ट लव यू। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना आप लोग। सो यस बाय। तो मेकअप के लिए आपका जो गाइस लेट्स ओके छोड़ के कुछ भी ब्रश से गाई क्या मैं इतना लेती हूँ एंड ठीक है। पहली बार बोला रही हूँ तो